बीजेपी में संगठन और सरकार का ऑडिट, पार्टी में फिर तेज हुई गतिविधि, कोविड 2 के बाद बदले हालात, संगठन को नया रूप देने की कवायद, शिवराज, शिवप्रकाश, बीडी शर्मा, सिंधिया और मुरलीधर राव, पांच चेहरे, तीन दिन और कई काम, मतलब 23 जुलाई से 25 जुलाई तक बीजेपी में कई गतिविधियां दिखाई देंगी। शुक्रवार को बीजेपी दफ्तर में सीएम शिवराज और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिवप्रकाश की बंद कमरे में हुई बैठक में इसकी शुरुआत भी हो गई है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सहित चार राज्यों के प्रभारियों की इस बंद कमरे में चर्चा हुई, जिसमें प्रदेश संगठन के महामंत्री सुहास भगत भी मौजूद रहे। बैठक में सरकार और संगठन के कामकाज पर भी मंथन हुआ। निगम मंडल, आयोग और प्राधिकरण में नियुक्तियों पर भी चर्चा की खबर है। इस बैठक के बाद शिवप्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के बीच भी मुलाकात हुई। हम संगठन हैं और संगठन को चलाने के लिए ठीक उसी प्रकार की पद्धति अपनाना पड़ती है जैसे परिवार चलाने के लिए। तो परिवार में जो मुखिया होता है वो परिवार के दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के व्यक्ति से बात करता है, दूसरे तीसरे नंबर वाले को कोई समस्या होती है तो पहले नंबर, मतलब मिल बैठकर चर्चा करना, निर्णय करना, यही तो संगठन है, और नहीं तो कांग्रेस की तरह विघटन है। अगर बीजेपी की गतिविधियों की बात करें तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिवप्रकाश की सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई। वहीं 24 जुलाई को ज्योतिरादित्य सिंधिया की ई क्लास होगी। 24 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन ही बीजेपी धर्मगुरुओं का सम्मान करेगी और 25 जुलाई को मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव भोपाल आएंगे। देखिए, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे मंत्री हों, चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, पार्टी का जो निर्देश मिलता है उसके अनुसार सब लोग काम करते हैं और सिंधिया जी को भी जो जवाबदारी दी गई है वो भी उसको काम। जानकारों की माने तो कोविड 2 के बाद बीजेपी की ऐसी गतिविधि पूरे देश में ही चल रही है। ऐसा लगता है कि पार्टी कहीं ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म की तरफ बढ़ रही है। संगठन में रीस्ट्रक्चरिंग को महत्व दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कोविड की दूसरी लहर और दमोह उपचुनाव में हार के बाद पार्टी में मंथन जारी है। पहले तो सिंधिया समर्थकों की जम्बो कार्य समिति में जगह सुनिश्चित करने को लेकर हलचल ज्यादा थी, लेकिन इसमें भी संगठन के स्तर पर पुनर्गठन दिखा। अब फिर नए सिरे से गतिविधि तेज हुई है। जाहिर है आगे कुछ न कुछ तो नया होगा ही। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी का ऑडिट। बीजेपी का संगठन, आप चाहे उसे पसंद करिए या आपको पसंद ना हो, लेकिन आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि बीजेपी का संगठन ही उसकी आत्मा है, क्योंकि इस संगठन में अभी भी शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तमाम चुनौतियों और जिस तरह से हम बात करते हैं कि अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, इसका कोई और अर्थ मत लगाइए। इसको सिर्फ इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि नैतिकता का जो मानदंड है वो नीचे आता चला जा रहा है, और इससे न कोई पार्टियाँ प्रभावित है, न समाज का कोई हिस्सा, कोई अंग, कोई व्यवस्था इससे अछूती बची है। इन परिस्थितियों में भी जबकि बीजेपी का सत्ता का आधार बढ़ा है केंद्र में भी और राज्यों में भी, इसके बाद भी बीजेपी के संगठन में अभी भी ऐसा नहीं है कि वहाँ चीज़ें ऐसी नहीं हुई हैं जिसको आप ये कह सकें कि यहाँ अमानक स्तर का प्रभाव नहीं दिख रहा है। वहाँ भी गिरावट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। खुद बीजेपी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में ये बात मानते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं वहाँ जो अभी भी आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं, और उनका एक ही उद्देश्य है कि नहीं, एक पवित्र उद्देश्य जिसको आप कहते हैं, वो अपने संगठन के लिए हो या फिर उससे भी बड़ा हो, ये दावा भी बीजेपी की तरफ से और ऐसे व्यक्तित्वों की तरफ से सामने आता है, और यही बीजेपी की ताकत बनता है। और बीजेपी ये हमेशा जानती है कि संगठन मजबूत तो पार्टी मजबूत, पार्टी मजबूत तो चुनाव मजबूत, चुनाव मजबूत तो सत्ता में भागीदारी बढ़ेगी, राज्य हो या केंद्र हो। तो ये एक बड़ा मसला है। और बीजेपी मध्य प्रदेश की अगर स्पेसिफिक हम बात करें तो दमोह का अनुभव हो या कोविड 2 के बाद जो देश में और देश के राज्यों में परिस्थितियां हैं उनको लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। वो जानती है कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, चाहे महंगाई का मसला हो, चाहे कोविड 2 के बाद
COVID-3 से निपटने की तैयारियां हों, इनको लेकर जनता सशंकित भी है और बीजेपी की तरफ देख भी रही है कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। अब इस तैयारी का क्या प्रतिसाद मिलेगा, क्योंकि बात फिर 5 साल चुनाव पर आती है, तो ये तो 2023 और 24 बताएंगे, लेकिन उसने मजबूत तैयारी शुरू कर दी। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक गिरीश उपाध्याय जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक आशीष शर्मा जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक संजय यादव जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले गिरीश जी की एक टिप्पणी। गिरीश जी, किस तरह देखते हैं आप इन तैयारियों को? प्रदेश कार्यालय में सरगर्मियाँ बढ़ती हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, प्रभारी भी आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम वो चेहरे, और बात इसी पर रहती है अब ये कार्यक्रम, अब ये कार्यक्रम, अब ये संगठनात्मक तैयारी, अब इस तरह से आगे बढ़ना है। बीजेपी को बहुत बेहतर आप समझते हैं, बहुत पहले से ये बीट आपने, जब उन दिनों आपने पत्रकारिता की है जब हम लोग आपसे सीखते रहे हैं, आज भी सीख ही रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं बीजेपी की इस तैयारी को और इसी से जुड़ी उसकी चुनौतियों को? देखिए शरद जी, ये कोई तुलना करने वाली बात नहीं है और हम कोई तुलना के लिए हमारा मकसद भी नहीं है, लेकिन अगर किसी भी पार्टी के संगठन के मुख्यालय में अगर गतिविधियां चलती हैं और गतिविधियां चलती हुई दिखाई देती हैं, वहां कोई सरगर्मी सतत बनी रहती है, तो उसका एक महत्वपूर्ण संकेत ये होता है कि संगठन जिंदा है, संगठन सक्रिय है। और अगर कोई पार्टी का मुख्यालय या कार्यालय सूना पड़ा रहे तो उसके क्या अर्थ निकाले जा सकते हैं, मैं ये आप पे छोड़ता हूं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये तो हमको मानना पड़ेगा कि चाहे गतिविधियां कैसी भी हों, लेकिन गतिविधियां हमको दिखाई देती हैं। आपको याद, मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि जब नरेंद्र तोमर बीजेपी के अध्यक्ष थे तो एक बार उनसे ऐसी बात हुई कि आप क्या ये तमाम कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ आप किसी न किसी उसमें जुटते हैं कि मतलब काम कहते ही रहते हैं, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, एक एक कार्यक्रम कुछ। तो उनका कहना था कि देखिए, कार्यकर्ताओं को हमेशा हमको काम पे लगाए रखना होता है, उनको काम देना होता है, नहीं तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाए रखने की कला बखूबी जानती है। तो हमको इन सारी गतिविधियों को पहले तो इसी संदर्भ में लेना चाहिए जी। दूसरा यह है कि अब ये समय बहुत हर पार्टी के लिए थोड़ा सा संकट काल का है, और संकट काल में इसलिए बोल रहा हूं कि कोरोना के कारण पिछले 2 सालों में जो परिस्थितियां निर्मित हुई है उसमें राजनीतिक गतिविधियों को कैसे चलाया जाए, उनके जरिए अपने अपेक्षानुरूप परिणाम कैसे हासिल किए जाए, ये हर दल के सामने चुनौती है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि सारे दलों को इस चुनौती का सामना करने के लिए कोई ना कोई तैयारी करनी जरूरी है। और ये अगर हो रहा है तो हमको इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। आपने जैसे खुद कहा कि विधानसभा के चुनाव 23 में है, उसके बाद लोकसभा के 24 में है, लेकिन उससे पहले हम अगर उम्मीद करें, परिस्थितियां ठीक रही तो मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, अगर सरकार करवा सकती हो तो पंचायतों के चुनाव होंगे। और इन सारे चुनावों में, ये चुनाव एक संकेत होते हैं, तो इन सारे चुनावों में हो सकता है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को कोई प्रोग्राम देना चाहे, वो जनता तक पहुंचने के तरीके और कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, अगर नहीं है तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप लोगों तक कैसे पहुंचे, मुझे लगता है कि शायद इन सारी चीजों पर भी मंथन होना चाहिए। और बाकी की बात है तो मैं बड़ी आपके सुन लूं, उसके बाद एक मेरा पक्ष जरूर है, वो उसको संकेत में मैं कह देता हूं कि शायद एक बीच और भी है, आपने जिसका भी संकेत किया कि ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन और उसके कामकाज के तौर तरीके में एक पीढ़ी परिवर्तन को भी मैं देख रहा हूं। तो शायद एक लक्ष्य ये भी, एक उद्देश्य ये भी हो कि अब नए लोग नेतृत्वकर्ता के रूप में पार्टी में जुड़े हैं, चाहे वो केंद्र से आने वाले हों या राज्य के हों, इनकी कार्यशैली क्या होगी और इनकी कार्यशैली और रणनीति को नीचे के कार्यकर्ताओं तक सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, ये उसकी भी एक कवायद है। और उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है
कि शायद भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आपने बहुत महत्वपूर्ण संकेत किया है। यह संकेत ये है कि बीजेपी अपनी कार्य नीति में नए युवा समूह को स्थान देना, नई पीढ़ी को, और दूसरी पार्टी से भी जो बीजेपी का हिस्सा बने हैं उनके सम्मान को, जो एक माना जाता था बीजेपी में कि बाहर से आने वाला कितना भी प्रिय हो लेकिन वो उस भूमिका तक क्या पहुंचेगा, बीजेपी शायद उसका भी जवाब देने की कोशिश कर रही है। और आपने जो नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात की, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैंने उनका उसी दौरान इंटरव्यू किया था, तो मुझे ये याद नहीं है कि उस पर केंद्र ने अमल किया कि नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था बातचीत में कि 2015-16 को, 14-15 को मैंने केंद्र से आग्रह किया कि संगठन वर्ष के तौर पर पूरे देश में बीजेपी मनाए। अब किसी पार्टी की ताकत कितनी होती है कि वो संगठन का साल मनाए। जी संजय जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्या कहेंगे आप? देख आपकी आपकी पार्टी का मसला नहीं है लेकिन सब प्रतिद्वंदी और मुख्य पार्टी है जिससे भिड़ंत आपकी होती है। जी जी देखिए, मैं पहली बात तो जी जी सर जी जी मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बारे में बात करूंगा। आपने पूछा है, पहली बात तो ये मानता हूँ जिस भी पार्टी की सत्ता हो तो जब भी सत्ता रहती है तो संगठन अपने आप बड़ा इसलिए हो जाता है कि लोग सत्ता के साथ काम करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी जैसे गिरीश उपाध्याय जी कह रहे थे कि कार्यालय में भीड़, अभी कार्यालय में भीड़ कोई भारतीय जनता पार्टी नया करने जा रही उसकी नहीं है, ये तो भीड़ ट्रांसफर पोस्टिंग की है, क्योंकि ये मंत्रियों को आदेश है कि संगठन से लिखवा के लाओ, तो अभी ट्रांसफर पोस्टिंग खुले हैं कि जहाँ भी, तो ये भीड़ उसकी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करने जा रही, ये तो ट्रांसफर पोस्टिंग की भीड़ है इनके कार्यालय में। जो अभी भीड़ भोपाल में आप देख रहे होंगे वो ट्रांसफर पोस्टिंग की भीड़ है, भाजपा की नहीं है। और तीसरी बात, मैंने अच्छे से देखा है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों से कार्यकर्ता के नाम दे दी, कार्यकर्ताओं की बात करती है लेकिन जब चुनाव लड़ने जाती है तो कंपनी से चुनाव कराती। इस बार आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा किसी भी, सिर्फ बूथ के दिन उनको याद किया जाता है और बूथ में बैठने वाले के लिए, क्योंकि ना आप टेबिन लगती है, जो पोस्टर चिपकाए गए थे मानी अब की बार मोदी सरकार, उसमें किसी कार्यकर्ता ने नहीं लगाए थे, जैसे पहले होता रहा कि कार्यकर्ता झंडा बांध रहा डंडा बांध रहा, अब तो एक कंपनी आई, एक कंपनी ने दीवार चिन्हित कर ली पहले और उस पर पोस्टर चिपका के चले गए और वो बाहर से आके चले गए। तो कार्यकर्ताओं की स्वाभाविक रूप से सत्ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास आपको लोग दिख रहे। जिस दिन सत्ता नहीं होगी उस दिन ये कार्यकर्ता ढूंढने से नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज भी भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से कार्यकर्ता उपेक्षित है, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो ईमानदार कार्यकर्ता, जो पार्टी में लगा रहा है, इतने वर्षों से संघर्ष किया उसने भारतीय जनता पार्टी में, वो ममाहित है, वो बहुत दुखी है। जब हम लोग आपस में बात करते हैं स्वाभाविक है, वो भी इंसान है, हम लोग इंसान है, वो बहुत दुखी है क्योंकि कार्यकर्ता की बड़ी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में लगातार कई सालों से चली आ रही, जब ये अधिकारी मंत्री की नहीं सुनते तो कार्यकर्ता की कौन सी बात सुन लेगा। और भारतीय जनता पार्टी के में जो एक चीज कमी है, अच्छाई है, संगठन अच्छा है उनका, संगठन वाला जो नेता होता है वो जनता की जनहित की बात नहीं रख पाता अपनी नेताओं से, ये बड़ा दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि संगठन को क्या, संगठन का कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की बात, अपने जनहित की बात, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर कभी बात नहीं करता। संगठन सिर्फ इसलिए होता है भारतीय जनता पार्टी में। जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ पहले जी। इनकी जब सरकार बनी थी तब इनके मंत्रियों के यहाँ और इनके वल्लभ भवन में इतनी भीड़ रहती थी कि मंत्री स्वयं कहते थे कि भैया ये जन सैलाब कहाँ से आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में अगर संजय भाई आकलन कर रहे हैं तो हम पश्चिम बंगाल जहाँ पर सरकार में नहीं वहाँ भी लाखों की रैली करते हैं, महाराष्ट्र में जहाँ हम सरकार में नहीं वहाँ भी लाखों की रैली करते हैं, और मध्य प्रदेश में भी जब दिग्विजय सिंह की सरकार को उखाड़ फेंकना था तो लाखों कार्यकर्ता भोपाल की सड़कों पर और जिला मुख्यालयों पर पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी में हर राजनीतिक दल में काम करने के साधन बदल सकते हैं लेकिन कार्य पद्धति नहीं बदलती। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता निर्माण करने की एक कार्य पद्धति है, हमारे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर विधायक सांसद तक सबके अंदर कार्यकर्ता का भाव जीवित है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत छोटे स्थान से जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी, और आज अगर केंद्र में दूसरी बार सरकार बना रहा है, कई सारे राज्यों में उसकी सरकार है, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हम बने हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कार्यों का विस्तार हुआ है, कार्यकर्ताओं का हमारी पार्टी में विश्वास बढ़ा है। आपको आत्मचिंतन करना चाहिए
कि 100 साल पुरानी कांग्रेस कहने का आप दम भरते हैं, आज कितने राज्यों में आपकी सरकार बनी है? जिन जिन राज्यों में आपके नाम के चिराग जलते थे वहां एक एक दो दो विधायक आप जीत कर नहीं ला पा रहे हैं। आपके नेतृत्व के प्रति आपके कार्यकर्ता ही आशंकित है कि राहुल गांधी से कुछ नहीं हुआ, सोनिया गांधी से कुछ नहीं हुआ। इतनी हास्यास्पद स्थिति आपके संगठन की है और आप भारतीय जनता पार्टी के कामकाज पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। हमारा परिवार निरंतर बढ़ता जा रहा है, कुछ नए लोग आए हैं तो स्वाभाविक है उन्हें भी संगठन सिखाना है, समझाना है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज इतने विराट स्वरूप में पहुंचा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति का अनुसरण कई लोगों ने करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने सेवा दल बनाया लेकिन सेवा दल की क्या स्थिति है? उसके पदाधिकारी कहते हैं कि हमें पूछा ही नहीं जाता, सिर्फ जब रैली निकालना हो, टोपी लगा के आना हो, झंडा वंदन करना हो, तब सेवा दल को बुलाया जाता है। इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तुलना नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक विशाल संगठन है, संस्कारवान कार्यकर्ता का निर्माण करने वाला। सुन लीजिए, तीन बार बोल चुके आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, सुन लीजिए आशीष जी, बोलिए बोलिए संजय जी, बोलिए जी। आशीष जी, आशीष भाई, मैं ये मानता हूं कि आप कह रहे लाखों की भीड़, मैंने खुद देखा है एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता की अपेक्षा जो रहती है वो पेई वर्कर की भीड़ रहती है। जो मोदी मोदी चिल्लाते रहे वो पेई वर्कर थे, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। ठीक, तो ये आप अच्छे से समझ लो, आप भी तो जानते हैं हमारी सरकार मोदी बदल दी है राज्यों में या केंद्र में आधारित भारतीय जनता पार्टी ने वोट नहीं दिया। मैं मानता हूँ, तो आजकल हमने खरीद ली है पेई वर्कर, ऐसी बात करते हैं संजय भाई, कंपनी के माध्यम से बनी है, पेई वर्कर के माध्यम से कार्यकर्ता की सुन कौन रहा आपके? संजय जी, अब सबसे बड़ा कंपनी वाला तो आपके साथ भी रहा है उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में, और अभी तो माना ये जा रहा है कि वो कंपनी वाला जिसका नाम पीके है वो आपके साथ ही आने वाला है। तो ये तो राजनीति का हिस्सा है, कंपनी वाला हो, देखिए ये चुनावी प्रबंधन के गुर हैं और अब इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बीजेपी ने भी इसे अपनाया है और आपने भी अपनाया है और कोई और दीदी ने भी अपनाया है पश्चिम बंगाल में। गिरी जी, मैं आपकी तरफ फिर आता हूँ। संगठन श्रेष्ठ होता है तो नतीजे भी अच्छे होते हैं और बीजेपी से बेहतर ये कोई समझ नहीं सकता कि जिसका 50 साल तक एक अद्भुत जोड़ी ने, अटल आडवाणी जिसका नाम है, उसमें एक व्यक्ति ने जिसका नाम लालकृष्ण आडवाणी है, अपनी तमाम महत्वाकांक्षाओं को पीछे रखते हुए, हालांकि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय आडवाणी कहे जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अटल जी की ज़मीन खिसकाने की कोशिश की हो या उनके पैर से कालीन खींच लिया हो। बीजेपी की ये ताकत है, उसका कार्यकर्ता नाराज होता है, अपनी उपेक्षा से दुखी भी होता है और कहता भी है कि हमारी पार्टी को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन शायद चुनाव आते आते वो अपनी पीड़ा भूल के कहता है बड़े उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत कड़वाहट को भूलना होगा। ये एक नैतिक लक्ष्य के प्रति जब आप आसक्त तो होते हैं तो आप ऐसा व्यवहार करते हैं, लेकिन कमोबेश इसमें गिरावट भी है, आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर यूं देखें शरद जी, तो गिरावट की जब आपने बात की तो गिरावट राजनीति में पूरी समग्रता के साथ आई है जी जी। ये और इस पे हम इनकार नहीं कर सकते कि कोई भी दल इससे अछूता नहीं रहा है जी। अब उस गिरावट के कारण बहुत सारे हैं और उस गिरावट का एक बड़ा कारण जो है वो, जैसा कि संजय जी कह रहे थे, कि उसका एक बड़ा कारण यह है कि कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं भी बहुत बढ़ती हैं। जब वो चुनाव में सफलता हासिल होती है तो उस सफलता के प्रतिशत में या उसके अनुपात में वो भी अपने लिए कुछ अपेक्षा करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात, जैसा अभी कहा जा रहा था कि प्रबंधन, तो ये कोई अब नई बात नहीं रही है। चुनाव के टूल्स बदले हैं और चुनाव के तौर तरीके भी बदले हैं। जो परंपरागत तौर तरीके थे अब उनमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, तो ये परिवर्तन तो सहज हैं और ये हर पार्टी किसी न किसी रूप में ये परिवर्तन कर रही है। जो नहीं कर रहे हैं वो पछता रहे हैं क्योंकि पीढ़ी बदल रही है शरद जी। हमने जिस जमाने में चुनाव देखे थे उसमें गांव में झंडियां लग जाती थी, वहां से हम लोग अनुमान लगा लेते थे कि ये गांव यहां से कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है। जी जी जी। तो अब लेकिन अब घरों पे हमको वैसे झंडे दिखते नहीं है, ना गांव में और शहरों में झंडियां दिखती है, तो ये स्वाभाविक है, ये चीजें तो बदलती हैं। मैं जिस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अगर आज जो आपकी बात कर रहे हैं कि इस समय जो आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है
उसको मैं ये पाता हूं कि अब आने वाले समय में चाहे वो कोई भी चुनाव हो, नगरीय निकाय के चुनाव हो, पंचायत के हो, उसके बाद विधानसभा हो और लोकसभा हो, इन चुनावों में प्रदेश से लेकर तो केंद्रीय नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली पीढ़ी पूरी बदली हुई होगी मध्य प्रदेश में। जी 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 जी, पहले कोई और लोग थे, अब देखें कि वो सारे चेहरे इस समय नहीं है। अब शिव प्रकाश नेतृत्व करेंगे, अब मुरलीधर राव नेतृत्व करेंगे, अब वीडी शर्मा नेतृत्व करेंगे, मतलब इन सारे लोगों की अगुवाई में। और उसके साथ साथ अब इन लोगों को कैसे अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचना है, उनका मानस पार्टी के बारे में क्या है, उनकी चुनाव की रणनीति क्या हो सकती है, क्या आपको लगता है ये जोखिम भी है? ये बिल्कुल जोखिम है जी, क्योंकि आप और पार्टी शायद संभवतः इस बात को समझ चुकी है, इसलिए उसने जल्दी ये काम शुरू किया कि कार्यकर्ताओं से नेताओं का एक तादाद में बिठाना भी बहुत बड़ी बात होती है। और जब आपको मालूम है कि किसके नेतृत्व में या किसके सामंजस्य के साथ हमको सामंजस्य बिठाते हुए काम करना है अगले आने वाले चुनाव में, तो इसके लिए आपको पहले तैयारी करनी ही होती है। और जैसा कि मैंने संकेत दिया कि इसमें आप बहुत ही समझदारी से कहें या जो भी आप मजबूरी शब्द में तो नहीं कहूंगा, लेकिन इसमें बहुत समझदारी से पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी जोड़ा है जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जी 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 जी, तो इस चीज को बहुत अलग तरीके से देखा जाना चाहिए ताकि एक अमलगमेशन हो। संजय जी देखिए, ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण आज की बातचीत का बिंदु है कि प्रयोग जोखिम के साथ करना। आपकी पार्टी के लिए कहा जाता है कि शायद आप जोखिम से बचते हैं, अगर 2020 में एक जोखिम पार्टी लेती कि कमलनाथ जी आप थोड़ा सा जगह दे दीजिए एक युवा नेतृत्व के लिए, आपका बहुत बड़ा स्थान है रहेगा, हो सकता है कुछ नतीजे सामने आते, और अभी भी ज़रूरत है उसकी। ये नहीं कि कमलनाथ जी एक बहुत संभावनाशील नेता हमेशा से हैं और 2023 के लिए भी वो एक शानदार नेतृत्व करता है, लेकिन पार्टी को इसके साथ कुछ ऐसे परिवर्तन जरूर करने चाहिए जिनकी जरूरत अभी है, इसी क्षण है। जी जी बिल्कुल ठीक, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कमलनाथ जी शीघ्र ही फैसला लेने जा रहे हैं कि हमें मध्य प्रदेश में कैसा संगठन खड़ा करना, किस तरह से, और आपने देखा कि किस तरह से हमने दमोह उपचुनाव जीता है, वो संगठन के दम पर ही जीता है, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनकी तैयारी के दम पर जीता है। तो आने वाले समय में आप जो उपचुनाव देखेंगे उनमें भी कांग्रेस का संगठन देखेगा, कांग्रेस के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर। और कमलनाथ जी अभी वर्तमान में शीघ्र ही निर्णय लेने जा रहे हैं, अभी हमारे 3-4-5 जिलों के जिलाध्यक्ष बदले गए हैं, और संगठन कांग्रेस को बड़ी मजबूती के साथ कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सत्ता का मुकाबला कांग्रेस संगठन कर सके, और जो चाहे प्रदेश में महंगाई का मुद्दा हो, चाहे कोरोना की जो स्थिति रही हो, उसको लेकर कांग्रेस का संगठन सड़कों पर देखेगा कमलनाथ जी के नेतृत्व में। चलिए, शुभकामनाएं आपको भी, बीजेपी को भी। आशीष जी, आपकी कंक्लूडिंग टिप्पणी। जी, समय कम है मेरे पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निरंतर संगठन को मजबूत करने की कार्य योजना चलती रहती है। हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, वर्ष भर में सम्मेलन करते हैं, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करते हैं, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा मजबूत हमको बनाना है ताकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों का भारत हम बना सके। गरीब की थाली में भरपेट भोजन और उसके जीवन में उजाला करना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, और इसलिए निरंतर संगठनात्मक गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। आने वाले समय में किस तरह चुनावों का सामना भी हमको करना है, उन सब के लिए आवश्यक है कि हमारा बूथ मजबूत हो, बूथ स्तर का कार्यकर्ता मजबूत हो, और इसलिए कार्यकर्ताओं के विश्वास के दम पर और कार्यकर्ताओं के मनोभाव के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी और सरकार का काम हो, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी सदैव लगी रही है और आगे भी लगी रहेगी। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संगठनात्मक रूप से संगठन गढ़े चलो का नारा बीजेपी देती है, तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि जब गाड़ी की ओवरहॉलिंग होती है, संगठन रूपी गाड़ी की या सरकार रूपी गाड़ी की, तो जो आवाज़ें आती हैं, जो ध्यान खींचती हैं, वो बहुत कम हो जाती हैं या न्यूनतम ही हो जाती हैं। चाहे कर्नाटक हो, जहां येदी बाबू जो हैं उनके बारे में ये माना जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला वो कर सकते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं आई, और पंजाब से आवाज़ें बहुत आती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि संगठन की ओवरहॉलिंग कांग्रेस में ठीक नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि संगठन अगर मजबूत होता है तो बड़ी से बड़ी सर्जरी
बिना एनेस्थीसिया के भी चीख पुकार किए बिना हो जाती है, और कांग्रेस का अतीत इसका गवाह रहा है कि जब आला कमान रूपी सत्ता मजबूत रही है तो कांग्रेस में बड़ी बड़ी सर्जरियां और बड़े बड़े मुख्यमंत्री बिना चीख पुकार के हटते रहे हैं। लेकिन आज स्थितियां भिन्न हैं, जरा सी बात पर मझोले कद के नेता भी आंख दिखाने लगते हैं, और इसकी वजह यही है कि शायद संगठन का वो रुआब वो दबदबा, आला कमान का वो रुआब वो दबदबा क्या अब है, ये सवाल मैं आप सभी के लिए छोड़ता हूँ। बहुत शुक्रिया गिरीश जी, बहुत धन्यवाद संजय जी, और बहुत धन्यवाद आशीष जी। नमस्कार।